स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करा था एक्सरसाइज 4.2 का, ठीक है ना। तो अब जो है इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला जा रहा है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हू स्क्वायर इज 365। यानी कि फाइंड टू, हमें दो जो कोई कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है वो फाइंड करने हैं जिनका सम जो है उनके स्क्वायर्स का जो है 365 हो, ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसको हमें करना है। तो इसके हम फिर सॉल्यूशन में लिखेंगे। इसमें सबसे पहले क्या है कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हम एक को एक्स मान लेते हैं, कोई हमारे पास एक एक्स है। तो कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब हुआ कि एक के बाद एक, यानी कि कोई भी नंबर है, जैसे मान लो एक है तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तो जो भी एक के बाद एक नंबर आते हैं उन्हें हम कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है हम लेट कर लेते हैं, एक को हम एक्स मान ले लेते हैं, ठीक है। और अगला क्या होगा, अगर एक्स में हम वन प्लस कर दें तो वो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा। तो एक एक्स है तो दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस वन, ठीक है ना। तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हो गए। एक को हमने एक्स मान लिया तो दूसरे में क्या है कि हम प्लस वन जोड़ देंगे तो वो उससे अगला वाला हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो ये दो हमने लेट कर लिए, ठीक है ना। लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस वन। एक एक्स है और एक एक्स प्लस वन है। अब नाउ इट इज गिवन दैट the sum of ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है इनके स्क्वायर, ठीक है ना। या इसको हम ऐसे लिखेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, ऐसे कर देते हैं ऐसे, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि सम ऑफ हूज, यानी कि इसके और इसका सम, और हूज स्क्वायर इज, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ये हमें गिवन है, ठीक है ना। दोनों का सम और इनका स्क्वायर, ये है हमारा 365। तो ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये गिवन है हमारे पास, सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 365। ये दोनों नंबरों का सम हो गया और ये इनका स्क्वायर हो गया, ये 365 है, ठीक है। अब हम ये जो हमारे पास इक्वेशन आई इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके जो है हम ये दोनों नंबर निकालेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे तो उससे हम इसको करेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता ही है हमें, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ठीक है ना। यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमने ए स्क्वायर ले लिया, ये टू ए बी हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, इजिकल टू 365। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू एक्स प्लस वन, और ये 365 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 365 हो जाएगा, इजिकल टू ज़ीरो। अब इसे आगे फर्दर करते हैं, ये हो जाएगा हमारा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स,
अब 365 में से वन माइनस के 365 में से प्लस वन गए तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 364 इजिकल टू ज़ीरो। अब यहाँ से हम दो कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दो कॉमन निकल रहा है इसमें, तो दो कॉमन हमने ले लिया तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये हो जाएगा हमारा टू वन ज़ा टू और टू एट ज़ा सिक्सटीन और टू टू ज़ा फोर इजिकल टू ज़ीरो। ये हमने दो कॉमन ले लिया इसमें से, अब हमारे पास इक्वेशन आई। अब ये दो इधर जाएगा तो 0.2 इजिकल टू ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो ही रहेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इजिकल टू ज़ीरो। अब ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे और इसके रूट्स निकालेंगे, ठीक है। और रूट्स हमेशा मैंने आपको बताया ही है, जो भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके दो रूट्स निकल के आते हैं, तो हमें एक्स की दो वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो उसको हम करके देखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे सॉल्व करते हैं हम फैक्टराइजेशन करके, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि ये जो मिडल टर्म होती है इसके हम फैक्टर बनाते हैं, तो इसके ऐसे फैक्टर बनाते हैं कि जिनका टोटल तो यही रहे, और अगर आपस में उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आए, ठीक है। तो इसके ऐसे कौन कौन से फैक्टर बनेंगे कि उसका जो उन्हें प्लस माइनस करने पे तो वन ही आए और मल्टीप्लाई करने पे 182 आए, तो इसके दो फैक्टर बनेंगे। एक तो फैक्टर हमारा बन जाएगा 14x और एक बन जाएगा माइनस का 13x। भाई 14 में से 13 गए 1, तो ये 1 हो गया, ठीक है ना। और अगर 14 और 13 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 14 × 13, तो 3 × 4 = 12 कर दो, 1 हासिल, 3 × 3 = 4 और 1 × 4 = 4 और 1 × 1 = 1, 2 × 4 = 8 और 1, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा तो ये 182 आया। तो 182 × 1 = 182, तो ये हमारे फैक्टर बनेंगे इसके, तो ये हमारे फैक्टर बन गए माइनस ये 182 हम लिख देंगे इधर इजिकल टू ज़ीरो, ठीक है ना। तो ये हमारे फैक्टराइजेशन हमने इसका कर दिया। अब ये दो टर्म लेंगे और ये दो टर्म लेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे पहले इसमें, तो ये हमने x कॉमन लिया तो हमारे पास आया x प्लस 14 बचा हमारे पास, अंदर हम माइनस यहाँ 13 ले लेंगे इसमें कॉमन इन दोनों में, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x। अब माइनस हमने लिया है कॉमन, ठीक है ना, तो माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा हमारा 14 इजिकल टू ज़ीरो, क्योंकि 13 हमने कॉमन लिया है, तो अगर 182 करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 14 आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया। तो x प्लस 14 और x प्लस 14 इनको एक साथ ले लेंगे हम, और x माइनस 13 इसको एक साथ ले लेंगे इजिकल टू ज़ीरो। अब x प्लस 14 इजिकल टू ज़ीरो, और सेकंड हमारा बनेगी केस x माइनस 13 इजिकल टू ज़ीरो, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, 14 उधर जाएगा तो ये माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो x जो है ये 13 इधर गया तो ये प्लस का हो गया, तो अब हमारे पास ये जो x की दो वैल्यू आई, ठीक है, एक तो वैल्यू आई माइनस की 14 और दूसरी वैल्यू आई हमारी 13। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स हमें लेने हैं, तो ये तो हमारा नेगेटिव में आया है तो इसको तो हम ले ही नहीं सकते, ठीक है ना, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर हमारा ये आ रहा है, ठीक है, कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसलिए इसे हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमें बोला गया है कि हमें जो है पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेने हैं। तो x जो है पहला हमारा आ गया 13, तो हमने दो नंबर ऊपर लेट करे थे, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी, एक तो हमने x लिया था यानी कि x हमारा 13 आ गया, तो हम लिखेंगे हैंस द फर्स्ट नंबर इज
क्योंकि एक्स है 13 हुआ और एंड द अदर कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज, दूसरा कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या था, हमने x प्लस वन लेट करा था, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वन इज इक्वल टू, x में हम वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू 13 है, प्लस वन इज इक्वल टू 14। तो ये हमारे पास दो नंबर आ गए, एक तो 13 आ गया हमारा और एक 14 आ गया नंबर। तो यही हमसे बोला गया था कि फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये हमने दो नंबर फाइंड कर लिए, एक 13 है और एक 14 है। अगर सम ऑफ स्क्वायर इज, अगर इन दोनों का हम सम करें, ठीक है ना, और उनके स्क्वायर का करें तो वो 365 आएगा, तो इन दोनों का ये आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका था, तो जो मैंने आपको बड़े इजी वे में समझाया, और फिर भी अगर आपको लगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको समझने में, या कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आ पा रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसे मेंशन करें, ठीक है, मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं, तो मैं वहाँ आपको डिस्कस करके यहाँ उसको और ज़्यादा क्लैरिफाई कर दूँगा आपको और एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है ना। वैसे तो मैंने इसे काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है, फिर भी अगर आपको लगे कि यहाँ भी मुझे मतलब कुछ डिफ़िकल्टी है या कुछ थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ पा रहा है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही होंगी, और आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना, और शेयर करें अपने साथियों के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको मेरी आने वाली जो वीडियोस है जो मैं डेली डालता हूँ, तो उनका जो नोटिफिकेशन है आपको वो उसी समय मिल जाएगा, तो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप जो है मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे, तो तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक्स।